सर, अब ठीक तो है ना ये? ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? ब्रेन में अभी भी थोड़ी सी ब्लड क्लॉटिंग है, बट डोंट वरी, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। थैंक यू। ये मीनल और प्रदीप अभी तक आए नहीं? ये देखो दादी, मम्मी पापा और छवि। अरे वाह छवि, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, पर धरा को नहीं बना? कोई बात नहीं, मैं बना लूं। तो देखो छवि, अब तुम्हारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। ये रूमा कहाँ है? लो, हो गई दवा तैयार। रात को गर्म दूध के साथ ले लेना, एक हफ्ते में आराम आ जाएगा। अरे उमा, सुबह से अभी दिखाई दे रही है, काम खत्म नहीं हुआ तेरा? इस घर में काम कभी खत्म होता है? और जब से प्रदीप भैया की छोटी बच्ची बीमार पड़ी है ना, तब से तो काम और बढ़ गया है। अरे वो तो सिर्फ 8 महीने की है, क्या हो गया उसे? पता नहीं, पिछले 7 दिनों से अस्पताल में है। 7 दिनों से? तो कब आएगी वापस? मतलब बच्ची ठीक तो है ना? पता नहीं, अभी प्रदीप भैया, अब लगता है प्रदीप भैया बच्ची को लेकर आ गए। मैं बाद में मिलती हूँ। हाँ। मम्मा आप आ गई। रुको छवि, तेरा गोद में है ना? अरे छवि, अक्सर मम्मा को, पापा को? डॉक्टर ने क्या बोला चाची? डॉक्टर ने कहा कि अब बिल्कुल ठीक है। अरे आ गई। अच्छा, दादी आ गई? अभी शांति से बात ही कर रही थी मैं कि घर में सत्यनारायण की पूजा करवा लेते हैं, घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। माँ जी, पंडित जी से बात हो गई, उन्होंने कहा कल का दिन एकदम शुभ है, कल करवा लेते हैं पूजा। ठीक है। एक काम कर, पंडित जी के लिए फल रखे थे ना, वो ले आ। सिद्धार्थ भैया, फल लेके आ। शंभू, जहाँ देखो ना वहाँ शुरू हो जाते हैं। तुझे कहा था कि जल्दी जल्दी प्रसाद बांट, बहुत ही आलसी है। इतने साल हो गए इधर काम करते हुए, लेकिन थोड़ी भी फुर्ती नहीं है इसमें, आलसी कहीं का। फिरी, बहुत अच्छा हुआ जो धरा खतरे से बाहर आ गई, मैं तो ना जान ही सूख रही थी। अरे वाह दीदी, कितना सुंदर नेकलेस है। वैसे कुछ भी कहो, तुम ना बहुत लगे, इतना अच्छा हस्बैंड, इतना अच्छा परिवार और इतने प्यारे प्यारे बच्चे। वैसे शीतल, लकी तो हूँ मैं, पर बस जेठानी के मामले में लक ने कुछ साथ नहीं दिया मुझे। हेलो भैया, कैसे हो आप? पापा कहाँ है? अंदर है, पूजा में है। क्या बात है भाभी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। चलो कुछ भी, कहाँ चल दिए? भाभी एक्चुअली एक काम है, वरना जाने का तो मेरा भी दिल नहीं है। अच्छा भैया, भाभी के आते ही कलती हैं। ऐसी बात नहीं है भाभी, आप प्लीज जाइए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। मम्मा मेरे साथ खेलो ना, कब से देख रही हो आप, सुबह से इसके साथ ही खेल रही हो। रुक जा बाबू, तुम्हारी बहन रो रही है ना, एक बार इसे सुला दूं, उसके बाद डॉल के साथ खेलूंगी। मम्मा ये जब से है ना, आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। अरे बेटा, मम्मा को करने दो उसे प्यार, लेकिन पापा आपसे प्यार करते। आजा 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 मेरा बच्चा। शायद इसे भूख लगी है। एक काम करता हूँ, मैं उमा से दूध बनवा कर लाता हूँ। बदमाशी करती है, रोती है, हाँ? क्या कर रही हो तुम? ये तो ना छोटी बहन है ना तुम्हारी। लेकिन मम्मा ये मेरी डॉल की बाल खींच रही है। कुछ नहीं करेगी वो, मेरे बीबी को क्या चाहिए, डॉल चाहिए था, खेल लो।
मम्मा मेरे साथ खेलो ना। तुम ना रिद्धि दीदी के साथ खेलो, मैं बेबी को सुला कर आती हूँ, डॉल के साथ खेलने आ जाऊंगी। मम्मा अब हमेशा ऐसा ही कर दो, अब मेरे साथ कभी नहीं खेलती। छवि सुनो तो, छवि आओ बेटा मेरे साथ बैठो, टीवी देखें। नहीं मुझे खेलना है। चल रहा है, कोई है भी नहीं यहाँ पर। मैं तो डर ही गई थी। उमा चाय दे। शंभू, शंभू, ए शंभू, शंभू उठ, छप देखो सोता रहता है, निकम्मा कहीं का। जाके बाजार से मैदा ला और बाकी सामान भी। के बाद आदमी दो घंटा आराम नहीं कर सकता, हमारा बस चले तो उनके चाय में चूहे मारने की दवा डाल। भाभी, भाभी चाय। अच्छा अरे दो टेबल पर। उमा धारा माजी के पास है क्या? नहीं माजी के पास तो नहीं है, मैं अभी सबको चाय देकर आई, किसी के पास धारा नहीं है। माजी धारा कहाँ है? धारा तुम्हारे साथ ही तो थी। रिद्धि, 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 धारा कहाँ है? मुझे नहीं पता चाची। हे भगवान मेरी बेटी कहाँ चली गई? प्रदीप आए थे क्या? आए तो उसे बाहर ले गए हो। नहीं दीदी जीजो तो नहीं आए, मैं तो यहीं बैठकर टीवी देख रही हूँ। हे भगवान कह रहा हूँ घर में नहीं मिलेगी, कोई उठा कर ले गया उसे। मिस्टर अग्रवाल आप थोड़ा सब्र रखिए। सर सब्र रखूं मैं? मेरी बेटी मिसिंग, सिर्फ 8 महीने की, वो सिर्फ 8 महीने की। आपको क्या लगता है वो खुद चलकर बाहर जाएगी? आप इस बात के लिए श्योर हैं कि घर के अंदर कोई बाहर वाला नहीं आता? सर इधर ही स्टोर रूम में कुछ है। महज 8 महीने की धरा अग्रवाल को बड़ी बेरहमी से उसके अपने ही घर में मार दिया गया था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि यह हत्या दिन में उसके घर वालों की मौजूदगी में हुई थी। क्या यह काम किसी बाहर वाले का था जो सबसे छुपकर घर में घुस आया था और अग्रवाल परिवार से जाति दुश्मनी निकाल रहा था, या फिर धरा की हत्या के पीछे किसी अपने का हाथ था? सर बच्ची को मारकर ब्लैंकेट में लपेट कर इस डॉल हाउस में वहां छुपा दिया गया था। इंपल्सिव किलिंग लगती है। किलर को मारने के बाद सोचने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने बच्ची को मारकर इस डॉल हाउस में छुपा दी। लेकिन एक बात है सर, ये सुरूम घर के अंदर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बार वाला घर के अंदर आया और किसी को इस बात का पता नहीं चला? पूरे घर को सील करो, FSL से कहो कि पूरे घर से सैंपल उठाए। मीनल जी इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए पूरी वारदात को जाना जरूरी है। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। दोपहर में धरा रो रही थी। ना 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 सर सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई। अगर मैं नहीं सोती तो मेरे पास से उसे कोई नहीं ले जाता। आपने कोई आहट सुनी, किसी को देखा हो
मैं जब तक जगी थी तब तक के वहां कोई नहीं था। जब उमा मेरे रूम में आई तब मेरी नींद खुली। जिस वक्त ये हुआ घर के ज्यादातर लोग सो रहे थे, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। कोई घर के अंदर आया, बच्ची को मारा और मारकर स्टोर रूम में छिपाकर चला गया। तुमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? नहीं सच साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने किसी को नहीं देखा, कोई आवाज नहीं सुनी। सर हमें कुछ नहीं पता, हम दोनों तो अपने कमरे में सो रहे थे। मैं तो अपने दोस्त के घर पे था सर, मुझे तो रिद्धि ने कॉल करके बताया। क्या बोल रहे हैं साहब, बच्ची का खून कैसे? वो हम पता लगा रहे हैं। आप दोनों की ये दुकान कब से है? लगभग 2 सालों से। किसी अनजान आदमी को इस घर में आते जाते हुए देखा है? हमने कुछ नहीं देखा साहब, उस वक्त हम यहाँ नहीं थे। हम तो दोपहर में अपनी दुकान बंद करके घर चले जाते। इनका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस नोट कर लो। करीब 5 बजे मैं सोकर उठी और इधर हॉल में आई तो शीतल थी। जब आप यहाँ आई उस वक्त शीतल यहीं बैठी हुई थी? हाँ नहीं, शीतल यहाँ नहीं थी जी, वो मैं वॉशरूम गई थी। और बाकी सारे वक्त आप यहीं थी इसी ड्राइंग रूम में? जी। और आपने किसी को अंदर आते या बाहर जाते हुए नहीं देखा? जी नहीं, मैं टीवी देख रही थी, क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। आसपास इंक्वायरी की सर, पर किसी ने भी किसी अनजान आदमी को इस घर में आते जाते नहीं देखा। ये पक्का इनसाइड जॉब, ये काम किसी अंदर वाले का ही। तूने मारा है ना मेरी बेटी को, तूने मारा मेरी बेटी को। छोड़िए, तूने मारा है, छोड़िए छोड़िए। साहब सच कह रहे, साहब मार्केट ही गए थे साहब, क्योंकि साहब हमको मालूम था कि जल्दी आ जाएंगे तो माजी दूसरे काम पे लगा देंगे। ये साहब वहीं घूम रहे थे साहब, उसी में देरी हो गई। अगर तुझे देरी भी हो गई थी ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तूने खून नहीं किया। कल्याणी जी ने तुझे तो उठने के बाद मार्केट भेजा था ना, तब तक तो बच्ची को मार दिया गया था। चल बोल बोल कैसे किया, बोल। सच कह रहे हैं साहब, कुछ नहीं किया साहब, हमारा यकीन कीजिए सर, कुछ नहीं किया। सर उसे ये सब करने के लिए सुनील कंडपाल ने कहा होगा, उसी ने शंभू को हमारे घर रखवाया था। कौन सुनील कंडपाल? सर हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस, और ये सुनील कंडपाल पिताजी का पार्टनर था। बहुत घपला किया सर इसने बिजनेस, पिताजी के जाने के बाद हमने इसको इसका हिस्सा दिया और इसे बिजनेस से निकाल दिया। इस बात से बहुत गुस्से में था। तुम लोग ने समझ क्या रखा है, मुझे झुंझुना थमा कर चलता करोगे? जो बिजनेस है ना मेरा और तेरे बाप का जॉइंट बिजनेस था, यदि अगर बंटवारा हुआ 50-50 का होगा। हाँ सर, सुनील ने हमारे ऊपर केस किया हुआ है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हट रहे। तो सुनील ने कभी यारी दोस्ती में आपके घर पर शंभू को नौकरी पर रखवाया था? अब क्योंकि आपके और सुनील के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो आपको लगता है कि सुनील के कहने पर शंभू ने उसे मारा? सर बात सिर्फ इतनी सी नहीं, उसने मुझे धमकी दी थी। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है प्रदीप, तेरी उम्र भले ही हो गई, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, बहुत पछताएगा तू। सर शंभू इतने सालों से हमारे घर पे काम कर रहा, लेकिन 6 महीने पहले वो हमसे झगड़ा करके सुनील के घर काम करने चला गया, और अभी महीने भर पहले फिर वापस आ गया। मालिक गलती हो गया, अब जाने भी दीजिए। अब इतने साल आप लोग के यहाँ पे काम किए हैं, अब सुनील साहब तो वैसे ही हैं, जानते तो हैं आप, अब उनके पास कौन टिक सकता है? एक काम तो ठीक से होता नहीं है तुमसे, काम कम शिकायतें ज्यादा करते हो। मेम साहब वो पथरी की बीमारी है ना, लेकिन अब हम पूरा काम करेंगे अच्छे से। अरे लाओ, हम रख देते हैं, लाओ लाइए। हाँ साहब, हम गए थे सुनील साहब के पास साहब, क्योंकि सब यहाँ पे सब लोग हमारा खून चूस लिए थे साहब, ऊपर से माजी का डांटा लग। सुनील साहब हमारे गांव के हैं साहब, तो चले गए उनके पास, लेकिन वो क्या कम है साहब, इतना काम कराते और पगार देने में आनाकानी करते, गरीब आदमी है साहब, ऐसा तो चाहिए ना साहब। सर ये शंभू पैसे का बड़ा लालची है, इसी ने ये काम किया, मेरी बच्ची की जान ले ली उसने। सर दरा के होने से पहले मीनल का 3 बार मिसकैरेज हुआ, बहुत मुश्किल से धरा हुई थी। सुनील और शंभू का इसमें कोई हाथ है या नहीं है ये हम पता लगा लेंगे, इन दोनों के अलावा कोई और है जिस पर आपको शक हो? सर मैं कह रहा हूं शंभू ने ही मारा होगा मेरी बच्ची, किसी और को एक मासूम बच्ची की मौत से क्या मिलेगा। अरे क्या
कर रही हो? ऐसे कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी चले जाएंगे। अब पुलिस ने झूठ तो बोल दिया है ना, सच कब तक छुपेगा उनसे? मैं कह रहा हूँ ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ से भागेंगे ना हम, तो जरूर पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। हेलो। हेलो। हाँ मनीष। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तुझे पुलिस का फोन आए या कोई भी तुझसे मेरे बारे में पूछे तो कहना कि आज का सारा दिन मैं तेरे साथ तेरे घर पे था, ठीक है? लेकिन हुआ क्या है? वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, बट अभी जितना कहा है उतना कर। बच्ची पे कई इंजरी मार्क्स हैं। पहले उसको गला दबाकर मार दिया गया, उसके बाद कोई चाकू या तेज धार वाली चीज से गला काटा गया। मतलब डबल शोर किया गया कि बच्ची मर चुकी है। हाँ, उसके गाल पे भी निशान है जो कि थप्पड़ के लगते हैं। मौत का वक्त? दोपहर 3 से 5 के बीच में। इसके अलावा बच्चे के सर के पीछे चोट लगी है जो कि मरने के बाद लगी है, एज इफ किसी ने उसको पटका। और बच्ची के ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग है जो कि पहले से है। ब्लड क्लॉटिंग? हाँ। आपकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग थी। अब एक हफ्ते पहले ही उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आए। कौन सा हॉस्पिटल? डॉक्टर का नाम? जी हाँ, धरा का ट्रीटमेंट मेरे पास ही चल रहा था। ये प्रदीप और मीनल, इनकी फैमिली का बिहेवियर कैसा था बच्ची के लिए? दोनों बहुत वरीड थे अपनी बच्ची को लेकर। हमें धरा का ऑपरेशन करना था और धरा के बचने के सिर्फ 30% चांसेस थे, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए खर्चा करके उसका ऑपरेशन करवाया। अच्छा डॉक्टर, ये बच्ची के दिमाग में क्लॉटिंग की वजह क्या थी? ऑक्सीजन की ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती। तो क्या धरा को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन में तो धरा को ब्रीदिंग की कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई थी। तो क्या धरा के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी जिसकी वजह से उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हुई हो? मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता कि धरा के साथ जानबूझ के ऐसा किसी ने किया, पर हाँ, अगर बच्चे को सफोकेट करने की कोशिश की जाए तो उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती। तू यहां ठहर, मैं आता हूं। प्लानिंग तो अच्छी की थी आपने, खुद जाकर दिल्ली बैठ गए और शंभू के हाथों धरा का मरवा दिया। सर मैं बच्ची को क्यों मरवाऊंगा? प्रदीप झूठ बोल रहा है सर। तो आपने शंभू को पैसे देकर उसके हाथों धरा को नहीं मरवाया? सर शंभू ने किया नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा होगा अगर आपका लेना देना ना हो, क्योंकि अगर आपका लेना देना हुआ तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। सर प्रदीप बड़ा अजीब इंसान, दोनों हाथों से पैसे समेटना चाहते। सर मेरी बात छोड़ो, अपनी सगी साली के पति को भी बिजनेस के लिए पैसा नहीं दिया। ऐसे आदमी के साथ तो कोई भी दुश्मनी निकाल सकता है सर। किसी भी घर में एक छोटे बच्चे के आ जाने से उसके बड़े भाई या बहन का ईर्ष्या करना ये एक साधारण सी बात है। धरा के आने के बाद शायद छवि भी इसी दौर से गुजर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी अपनी माँ के पास उसके लिए वक्त नहीं, और इस बात पर कई बार उसने अपना गुस्सा भी जाहिर किया था। लेकिन क्या ये मुमकिन था कि उसकी ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने अपनी ही बहन की जान ले ली? या इस सब के पीछे सुनील कंदपाल का हाथ, जिसे उसकी बनाई कंपनी से जबरदस्ती अलग किया गया था और वो प्रदीप से इसी बात का बदला लेना चाहता था? या फिर इस हत्या का जिम्मेदार कोई तीसरा था जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया था? सर सुनील और शंभू दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, हाल फिलहाल तो इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही कोई लिंक मिल रहा है। मीनल और शीतल, इन दोनों के हस्बैंड्स की भी डिटेल्स निकाली है। सर ये मीनल और शीतल दोनों मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं। मीनल पढ़ाई में अच्छी थी, उसने MBA किया है, और वहीं कॉलेज में प्रदीप से प्यार हो गया और शादी हो गई। शीतल ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया, और 4 साल पहले उसने अभय से शादी की। अभय उस वक्त एक जेनरेटर मैन्युफैक्चरर कंपनी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे था, और पिछले 1 साल से अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने में लगा हुआ है। अभी तक कुछ खास हो नहीं पाया, ज्यादातर घर में बैठा रहता है। लाल मीनल और प्रदीप दोनों को बुला पूछताछ के। शीतल और उसके पति अभय से आप लोगों के रिश्ते कैसे हैं? सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शीतल मेरी सगी बहन है। कोई लड़ाई झगड़ा? सर ऐसा कुछ नहीं है, और प्लीज मेरे घर वालों पर उंगली उठाना बंद कीजिए। मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बच्ची की जान ले ले। मेरी धरा से सब लोग बहुत प्यार करते थे सर।
तुम घर चलो, मैं आता हूँ। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ ऑफिस में काम है, मैं काम खत्म करके आता हूँ। सर, मैं मीनल के सामने बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। मीनल की बहन शीतल और उसका पति अभय, सर ये दोनों पैसे के मामले में सही नहीं है सर। वो अभय जो है बहुत आलसी है सर, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर पे बैठ गया और मेरे पीछे पैसे के लिए पड़ गया। अभय को ना अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे, तकरीबन 20 लाख रुपए। देखो शीतल, अभय से मेरी इस बारे में बात हुई है। लेकिन जी जो अभय उधार ही तो मांग रहे हैं, बहुत जल्द वापस भी कर देंगे। आई अंडरस्टैंड शीतल, लेकिन क्या है ना कि अभय के पास कोई सॉलिड बिजनेस प्लान नहीं है। अब बिजनेस प्लान नहीं है तो वो इतनी बड़ी रकम चुकाएगा कैसे? और उसके बाद भी शीतल ने मुझसे कई बार पैसे मांगे, मैंने नहीं दी। लेकिन मुझे लगता है सर कि शीतल जो है वो मीनल से जेलस है। अरे वाह दीदी, कितना सुंदर नेकलेस है। वैसे कुछ भी कहो, तुम ना बहुत लकी हो। तो आपको लगता है कि शीतल ने गुस्से और जलन की वजह से धारा को मार दिया? सर मैं हाँ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ना भी नहीं कह रहा इस बात से। क्या हुआ शीतल, ध्यान कहाँ तुम्हारा? ये जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब होने को तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था शीतल, लेकिन हुआ ना। आप और मीनल दोनों सगी बहन, एक ही घर में पैदा हुई, पली बड़ी, लेकिन बड़े होने के बाद आपकी मीनल दीदी का स्टेटस और भी बड़ा हो गया। बुरा तो लगता होगा आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलत कह रहा हूँ, जलन नहीं होती कभी। आपकी मीनल दीदी चाहती तो आपके पति को पैसे देकर बिजनेस शुरू करने में इनकी मदद कर सकती थी, लेकिन नहीं की। गुस्सा तो आया होगा। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। आप एक साल से बेरोजगार, आपने घर पर यही बताया कि आपने बिजनेस के लिए नौकरी छोड़ी, जबकि हकीकत यह है कि आपको नौकरी से निकाला गया था। ये रही आपकी बैंक डिटेल्स और आपके लेनदारों की लिस्ट। गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं आप प्रदीप से बिजनेस के लिए पैसे मांग रहे थे, जबकि हकीकत यह है कि पैसे आपको अपना कर्जा चुकाने के लिए चाहिए। वो एक्चुअली आपने प्रदीप से पैसे मांगे होंगे, प्रदीप ने पैसे देने से मना किया होगा, आपको बुरा लगा होगा, गुस्सा आया होगा, है ना? और आपकी सगी बहन ने, आपकी दीदी ने आपके पति की मदद करने से मना कर, आपको बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि आपने इस बात का बदला लेने के लिए उसकी बेटी को मार डाला। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने धरा को नहीं मारा। आपके पति ने आपकी बड़ी बहन के घर तक जाना छोड़ दिया, पर आपने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आप बदला लेना चाहती। मलाल था मन में, लेकिन नफरत नहीं थी। वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता धरा को किसने मारा। छवि मेरी तरफ देखो, मेरी डॉल क्यों डर रही है? अरे रिद्धि, क्या हुआ इसे? चाची, मैंने उसे वहां देखा। कहा? वहां। कुछ नहीं होगा, है ना मम्मा? है ना? ये शीतल चाहे जितना भी रोले सर, मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। सिर्फ एक यही थी जो उस दिन जगी हुई थी, बाकी घर के लोग सो रहे थे। शीतल के लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा, वो चुपचाप से उठी होगी, मीनल के कमरे में गई होगी, बच्ची को उठाया और उसे मारकर स्टोर रूम में छुपा दिया। बच्ची के जिस्म पर चोट के निशान भी थे और बच्ची से इतनी नफरत की, शीतल के पास वजह भी थी। अंदर आ जाओ साहब। आशा साहब, एक खबर लाया हूँ। चलिए बोल। साहब, अग्रवाल हाउस में किसी और के पास भी वजह थी उस बच्ची को मारने की। बहुत बुरा हुआ, कोई ऐसे बच्ची को कैसे मार सकता? मुझे तो लगता है कि कोई बाहर से ही आया होगा। वैसे एक बात बताएं, घर वालों में भी कोई ज्यादा प्यार नहीं था। सिद्धार्थ है ना अपना, उमेश का बेटा, 15 दिन पहले उसने कोई बवाल किया था। क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था वहां पे? प्रदीप, जाने भी दो, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? जाने दो भाभी, अरे दिन भर दिन हाथ से निकलता जा रहा है लड़का, आप लोगों के लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया इसे। क्या हो गया प्रदीप, क्या किया सिद्धार्थ ने? अरे भैया, इसने तो किसी के बारे में कुछ पता चला क्या? साहब ऐसा तो कुछ पता नहीं चला,
प्रभु साहब, सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था। मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहती हैं कि आपके बेटी का कातिल पकड़ा जाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? सही तो कह रहा, आपने और आपकी फैमिली ने अभी तक हमसे बातें छुपाई। क्या ये सच नहीं है कि 10-15 दिन पहले सिद्धार्थ को लेके आपके घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ? सिद्धार्थ, ये फ्रूट तुम आप ये सब क्या है सिद्धार्थ? एक हफ्ते बाद तुम्हारी एग्जाम है और तुम ये सब कुछ देख रहे हो? चाची यार प्लीज, अब ये ज्ञान देना शुरू मत कीजिए, अडल्ट हो गया हूँ मैं अब। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे वीडियोस देखते हुए। घर में तुम्हारी बहनें हैं, उनके बारे में तो सोचो। प्लीज चाची, ये सब लोग देखते हैं, ये नॉर्मल हो गया है। जिस उम्र में तुम हो ना, उस उम्र में फिसलना बहुत आसान है। प्लीज सिद्धार्थ। अरे हो गया ना, समझ गया मैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। कौन सा मैं आपके बेडरूम के वीडियोस देख रहा था? कब से मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? रुको, ये वीडियोस ना मैं तुम्हारे मम्मी पापा को दिखाती हूँ, उसके बाद ही तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सिद्धार्थ, चाची, चाची मेरा लैपटॉप दे दो। सिद्धार्थ। प्रदीप उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उसके बाद उमेश भैया ने भी गुस्से में सिद्धार्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी। तो आपसे झड़प के बाद सिद्धार्थ पर पाबंदियां लग गई, फिर तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो क्या सिद्धार्थ ने गुस्से की वजह से धरा को मार दिया? देखो ये ठीक नहीं है, साहब ने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसा किया। अब पैसे देने के मामले में टालमटोल मत करो। पैसों की जरूरत नहीं होती तो कभी मैं बोलती नहीं। सर वो कनक का फोन आया था। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है? बताता क्यों नहीं? हाँ हाँ, वो दादी कंबाइंड सेशन स्टडीज के लिए मनीष के घर जाना था। और एक सेशन तुम्हें हमारे साथ भी करना है, थाने चल। सर ये बच्चा है नादान है, मैं जानता हूँ वो वीडियोस देखना बैन है, अब उसके लिए मेरे बच्चे को इस समय मत घसीटिए प्लीज। ये अडल्ट वीडियोस देख रहा था, इसके लिए हमने इसको यहाँ नहीं बुलाया। इसे मीनल ने वीडियोस देखते हुए पकड़ा, इससे इसकी आज़ादी छीन गई, इसको गुस्सा आया और इसने गुस्सा निकाला मीनल की छोटी बेटी धारा का मर्डर करके। नहीं सर, उस दिन तो मैं अपने घर पे भी नहीं था, मैं तो अपने दोस्त के घर गोमती नगर में था। ये तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे फोन की लोकेशंस कह रही है कि जिस दिन धारा का मर्डर हुआ तुम अपने घर के एरिया में ही थे। क्या बात है भाभी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। डर मत, तेरे श्याम भैया घर पर नहीं है, शाम को आएंगे। इस लड़की की हिम्मत तो देखो। एक मिनट, आप बैठ जाइए, बैठ के बात कीजिए प्लीज। ऐसे खुले आम मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहा है, आपको तो यकीन है ना मेरे पर? झूठ बोल रहा है ये सर। इसकी गंदी नजर थी मेरे ऊपर कब से, मैं जानती थी, मैंने मना कर दिया, अब देखो क्या क्या बोल रहा है ये मेरे बारे में। सर झूठ बोल रही है ये, सर सब कुछ इन्होंने ही शुरू किया था। सर उस दिन भी मैं बिंदु भाभी के साथ ही था। ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। आपके पर्सनल मैटर में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, एक बच्ची का मर्डर हुआ हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। इसलिए बताइए, जिस दिन धारा का मर्डर हुआ क्या सिद्धार्थ आपके साथ था? नहीं सर, ये मेरे घर में नहीं था। सर झूठ बोल रही है ये। पापा आप तो मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ पापा। क्या सोचकर तुमने पुलिस को सब कुछ बताया था? तुमने उसके साथ सही नहीं किया, सिद्धार्थ बच्चा है। बच्चा? अपनी माँ की उम्र की औरत पे गंदी नजर रखने वाला बच्चा है। जैसे आप अपने बेटे के लिए रो रही हैं, मैं भी अपनी बेटी के लिए रो रहा हूँ। और एक बात याद रखिए, मैं अपनी बेटी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूँ, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों।
दरअसल मेरे घर की जो मेड है उमा, वो रातों रात घर छोड़ के भाग गई। और उसका फोन? उसका फोन लग रहा है लेकिन वो उठा नहीं रही। आप उसका नंबर दीजिए, हम ट्रैकिंग पे डालते हैं। सर, उमा का फोन ट्रेस हो गया है, उन्नाव में है वो। उन्नाव में है कोई उसका? जी सर, उसकी छोटी बहन रहती है। दीदी चाय। दीदी, और कितना दिन रुकोगे? अभी तो आई हूँ, और तू जाने की बात कर रही है? कुछ दिन रुकूंगी मैं यहाँ। हम बच्ची के कातिल को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, अब पता चला कि कातिल तुम हो। नहीं साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं भला छोटी बच्ची की जान क्यों लूंगी? बिना किसी को कुछ बताए रात के अंधेरे में यहाँ से भागी क्यों थी? 10 साल में 2 बार पगार बढ़ाई है। 2 साल पहले अपनी बहन की शादी के लिए उधार पैसे मांगे थे, वो भी नहीं दिए। मैं पहले ही मन बना चुकी थी कि काम छोड़ना है। काम छोड़ना था तो बता के भी जा सकती। इससे पहले कि मैं कुछ बता पाती, घर में इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं डर गई थी साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बिना बताए चुपचाप निकल जाती हूँ। बताती तो वो जाने नहीं देते साहब। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ। सच ये है कि तुम्हें उन लोगों से नाराजगी थी क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। गुस्सा भी था क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी में उन लोगों ने कोई मदद नहीं की, इसलिए तुमने बच्ची को मार डाला। नहीं साहब, मुझे विमल माथो जी के यहाँ काम मिल गया था। 1 हफ्ते के बाद काम शुरू करना है, इसलिए मैंने सोचा कि 1 हफ्ता अपनी बहन के यहाँ उन्नाव रहकर आती हूँ, इसलिए मैं उन्नाव गई थी। हाँ सर, उमा से मैंने काम की बात की थी, वो मंडे से ही काम पर आने वाले थे। असल में मैंने सुना था कि वो बहुत भरोसे वाली है और काम की भी बहुत तारीफ सुनी। किससे सुनी थी तारीफ? सुनील कंडपाल, वो मेरी बीवी का चचेरा भाई है, उमा की बहुत तारीफ करता है वो। तुम्हें सुनील ने नौकरी दिलवाई थी? हाँ साहब, मैंने उनसे बात करके रखी थी, और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहलवाया था कि विमल जी के यहाँ काम के लिए जगह खाली है। कुछ दिन पहले मतलब? कुछ दिन पहले मतलब किस दिन? 25 तारीख को साहब। 25 तारीख मतलब जिस दिन धरा का खून हुआ। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और सुनील ने तुम तक ये बात किससे कहलवाई? शंभू से? नहीं साहब, शंभू तो फटे मुँह का है, उसको काम के लिए कहती तो वो डोल पीट देता। मुझे कनक ने बताया, वो जो घर के पास जिसकी दवाई की दुकान है। तुमने कनक को काम के लिए बोला था? वो सुनील कंडपाल को कैसे जानती? वो तो नहीं पता साहब, पर उसने कहा था कि वो सुनील साहब से कहकर मुझे काम दिलवाने में मदद करेगी। सुन उमा, तेरे काम की बात हो गई है, सुनील साहब का फोन आया था, कह रहे थे सब सेट है, 10,000 पगार रहेगी, करेगी ना? अरे बिल्कुल करूंगी, मुझे जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना है। ये ले नंबर, सुनील साहब ने दिया है, विमल महतो का है, इनके यहाँ काम करना है तुझे। सब सो रहे हैं क्या? हाँ, हमने थोड़ी देर बात की, फिर वो चली गई, और फिर कुछ देर बाद धरा के बारे में पता चला। कनक तुमसे मिलने कितने बजे आई थी? करीब 4:30 बजे। अब क्या हुआ तुझे? तुम्हारा तो भाग के ही, देख किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तू परेशान मत हो। अब पता चल गया तो? देखो मैं कह रही हूँ हम लोग निकल चलते हैं यहाँ से। और सुनील जी के पैसों का क्या करेंगे? अरे भाड़ में गए पैसे, पैसों के लिए अपनी जान दे देंगे। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, हम लोग निकल चलते हैं यहाँ से, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, भाग चलते हैं। थोड़ी देर कर दी तुम लोगों ने, पहले ही भाग जाना चाहिए था। इतने दिनों से हम सुनील का लिंक शंभू के साथ निकाल रहे, पर असल में सुनील के सारे लिंक तो तुम्हारे साथ। कनक, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम सुनील के ड्राइवर मनोज के साथ रेगुलर टच में थी, अक्सर बातें होती थी तुम्हारी। साहब, सुनील साहब हमसे दवाई लेते थे। कैसी दवाई? मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवा। साहब हम सच बोल रहे हैं। तो पहले झूठ क्यों बोला था? कि उस दिन दोपहर में तुम वहां थी नहीं, जबकि जिस वक्त धरा का खून हुआ उस वक्त तुम उसी एरिया में थी, और उससे कुछ वक्त पहले तुम उमा से मिलने भी गई थी मीनल के घर पर। तुमने सुनील के कहने पे धरा का खून किया था ना, इसलिए उमा से मिलने गई थी ना? नहीं साहब, मैंने धरा का खून नहीं किया है। किसने किया? किसने किया खून? एक मासूम बच्ची का मर्डर हुआ और तुम चुप बैठी हो, बोलो किसने किया? साहब, एक मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए मैं दूसरे मासूम का नाम कैसे ले दूं? मतलब? हाँ मनोज, मैंने उमा से बात कर ली है, वो विमल साहब से बात कर लेगी, तुम सुनील साहब को बता देना, ठीक है? अरे छवि,
यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कोई खेल नहीं रहा क्या? मेरे साथ खेलोगी? हाँ, अरे ये तो खून निकल रहा है, बहुत चोट लगी है तुम्हें। रुको मैं दवाई लेकर आती हूँ। रुको, कहीं जाना नहीं। जब मैं छवि के लिए दवाई लेकर पहुंची तो छवि के घर में हंगामा मच गया था। धरा गायब हो गई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ अजीब सा लग रहा था। बाद में जब पुलिस आई तो पता चला कि धरा का खून हो गया है। तब से मुझे शक है कि कहीं छवि ने तो धरा को, अब बताती भी तो क्या बताती पुलिस को, छवि भी तो मासूम बच्ची है ना। पता नहीं क्या हुआ होगा उस दिन। हमारे पास सर्च वारंट है, घर की तलाशी लेनी। कैसा वारंट? सब कुछ तो देख चुके हैं यहाँ। हमें मीनल और छवि से बात कर लो, अकेले चेक करो। अच्छे से जाओ। ये सब क्या है सर? छवि छोटी बच्ची है, आप इस तरह इसे सवाल जवाब नहीं कर सकते। चल जाएगी सर ये। हम जानते हैं कि छवि बच्ची, लेकिन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमारा छवि से बात करना जरूरी है। मिसेज दीक्षित चाइल्ड काउंसलर, हम छवि से जो भी बात करेंगे इनकी मौजूदगी में करें। नहीं सर, मैं छवि से कोई पूछताछ नहीं करने दूंगी। तेरे दिन सच में ईर्ष्या के भाव में छवि ने अपनी छोटी बहन का इतनी क्रूरता से खून किया था? क्या उसका ऐसा करना मुमकिन था? पुलिस भी ऐसे ही सवालों के बवंडर में फंसी थी। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। छवि के कपड़ों पे मिला खून धरा गई है। छवि के घरवालों से बात की मैंने, उन्होंने बताया कि छवि धरा से अपसेट रहती थी। उसे लगता था कि मीनल उससे ज्यादा धरा पे ध्यान दे रही है। आयुष, छवि 8 साल की है। छवि ने धारा को पहले सफोकेट किया, फिर चाकू से उसका गला काटा। एक 8 साल की बच्ची में इतनी समझ कहाँ से आ गई? मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता। और धारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गला काटते वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ किया गया। इंजरी मार्क्स डीप है, एकदम क्लीन कट है, कोई रफ एज नहीं। महज 8 साल की बच्ची ये सब कर सकती है? मुमकिन है? छवि, तुम्हें पता है सारी बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती है, उसकी केयर करती है ना? बेटा, किसी को चोट पहुंचाना गलत बात होती है ना? छवि बेटा, रोते नहीं, चुप हो जाओ। बताओ मुझे, धरा को तुमने चोट पहुंचाई थी? गलती से हो गया होगा, और गलती मान लेना अच्छी बात होती है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। छवि बेटा, घबराओ नहीं, बताओ। वो टेबल पर थी। मैंने उसे गोद लिया। गलती से वो मेरे हाथ से गिर गई। गिर गई कहाँ? वो स्टोर रूम में। इतना खून निकल गया, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बस उसे गोद लेना चाहती थी। और वो चाकू, वो तुम लेके गई थी? हमें पता है कि छवि ने धारा को नहीं मारा था, ये बात झूठ। तुमने हमसे झूठ कहा था, तुमने सारा इल्जाम छवि के सर पर डाल दिया। हमें भी झूठी कहानी सुनी, छवि को भी यकीन दिला दिया कि उसने धारा को मारा। तुम्हें अपनी बच्ची से जरा भी प्यार नहीं है? सर, छवि के बाद मैं 3 बार प्रेग्नेंट हुई। जब मैंने चेक करवाया, स्पेशली पैसे देकर चेक करवाया था मैंने, तब मुझे पता चला कि 3 बार भी लड़की आई है, इसलिए मैंने एबॉर्शन करवाया। और सबसे कहा कि मिसकैरेज हुआ। 4th बार जब चेक करवाया सर मैंने, तब नर्सिंग होम के डॉक्टर ने मुझे ये भरोसा दिलाया था कि इस बार बेटा ही होगा। मुझे नहीं पता था सर कि इस बार भी बेटी होगी। इसलिए तुमने उस 8 महीने की मासूम बच्ची को मार दिया। बहुत ज्यादा रो रही थी, इरिटेट हो रहा था मुझे। अरे क्या कर रही हो तुम? मेरे बीबी को क्या चाहिए, डॉल चाहिए था। मम्मा आप हमेशा ऐसा ही करते हो, आप कभी नहीं खेलती। छवि के जाने के बाद मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर वो और ज्यादा रो रही थी।
मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया था। अब चुप हो जाओ। मैंने उसे थप्पड़ मारा तो और ज्यादा रोने लगी। मैं लिटरली इरिटेट हो रही थी, इसलिए मैंने उसका गला दबा दिया। और मैं कोई और चांस नहीं लेना चाहती थी। तुमने पहले भी धरा को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुई थी। हाँ, लेकिन वो बच गई मेरे बेवकूफ पति की वजह से। जिससे मैं पीछा छुड़ाना चाहती थी वो उसी के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च करके मेरे सर के ऊपर डाल दिया था। लेकिन मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। छोटी बेटी को मारकर उसका इल्जाम डाल दिया बड़ी बेटी के सर। नहीं सर, मैंने जानबूझकर छवि को इसमें नहीं फंसाया है। धरा को मारने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी को कहां छुपाऊं। स्टोर रूम में मैंने जब टॉल हाउस देखा तो मैंने सोचा कि यही सही जगह होगी बॉडी छुपाने के लिए। लेकिन पता नहीं छवि वहां पे कैसे आ। छवि, तुमने ये क्या किया? मामा, मैंने क्या? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मामा है ना? हाँ? मामा अपनी छवि को कुछ नहीं होने देगी, डरो मत। छवि ने सब कुछ देख लिया था और मैंने भी वैसे ही दिखाया ताकि वो डरे और किसी से कुछ ना कहे। कैसी माँ हो तुम? माँ तो क्या तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं? एक बार भी नहीं सोचा कि छवि के ऊपर इसका क्या असर होगा? सर, मुझे बेटा चाहिए था। अगर पहली नर्सिंग होम में मुझे जांच के वक्त सही सही रिजल्ट बता देते तो मैं पहली एबॉर्शन करवा लेती। इतना सब कुछ होता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा तुझे क्या कहूं। तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी सजा भी छोटी है। इतनी पढ़ी लिखी लेकिन सोच इतनी छोटी। तुम जैसे लोगों को परिवार में, समाज में, घर में रहने का हक नहीं। कभी कभी बहुत समय साथ रहने के बाद इंसान को पहचानने में भूल हो जाती। मुझसे भी जिस औरत को प्यार की वो सिर्फ धोखा। वो औरत तुम कभी थी ही नहीं और तुम्हारे इस चेहरे को मैं पहचानता था। मीनल अग्रवाल को अपनी बेटी धारा का खून करने, पुलिस को गुमराह करने और सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के आरोप में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और केस अभी कोर्ट में है। अग्रवाल परिवार के सदस्य अब तक इस भयानक सच को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, खासकर मीनल का पति प्रदीप और उनकी बेटी छवि। इस घटना के दौरान लगे आघात के कारण छवि को काउंसलिंग सेशंस दिए जा रहे हैं ताकि वो इस घटना से उबर पाए। बेटियों के जन्म लेते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना, ये हमारे समाज में कोई नई बात नहीं। मीनल अग्रवाल एक पढ़ी लिखी महिला थी जिसने एक आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति प्रदीप से शादी की थी। मीनल के ससुराल वाले भी खुले विचारों के थे, इसलिए मीनल पर लड़का पैदा करने का कोई दबाव नहीं था। ये मीनल की अपनी मंशा थी। इससे ये बात जाहिर है कि अभी समाज में बदलाव आने में समय लगेगा, पर शायद शिक्षा और जागरूकता के कारण ये परिवर्तन जल्दी आ जाए। और इस देश का नागरिक होने के नाते ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस बात को लेकर लोगों को जागरूक करें कि कन्या हत्या ना सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि एक कानूनी अपराध भी है। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।